चाहे कपिल के बारे में बात करें? कपिल और सुनील का वैसे पहले भी मिसअंडरस्टैंड हो चुका है, और रही बात अगर सुनील ग्रोवर शो में, हाँ कपिल और सुनील का जो मामला है पहले भी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो मिसअंडरस्टैंड हो चुके हैं एक बार वो लोग। रही बात कि सुनील को शो में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अब प्रोफेशनल मजबूरी ही उसको शो में ला सकती है, नहीं तो हर व्यक्ति की एक अपनी इज्जत होती है, एक मयार होता है, और कपिल को इन चीज़ों से बचना चाहिए। ख़ास तौर से जब व्यक्ति एक ऊंचाई पे पहुंच जाए तो उसको अपने बिहेवियर पर ज़्यादा मार्क करने की ज़रूरत है। अप्रैल फूल, अब अप्रैल से पहले अप्रैल फूल क्यों मनाया जाएगा? अब ये हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स यहाँ भी चले, इस बात को कहा जाए कि भाई चलो अप्रैल फूल मनाया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अरे रही बात पॉलिटिक्स जब फिजाओं में है तो ऑफिस में भी पहुंच सकती है, लेकिन इसमें लगता नहीं है ऐसा। नहीं, वो इतना बुरा भी नहीं है कि ऐसा पॉलिटिक्स खेलेगा अपने पार्टनर के साथ। और कभी कभी हैं झगड़े हो जाते हैं, दो लम्हे की बात होती है, आदमी का मानसिक संतुलन चला जाता है। प्यार की कोई बात नहीं है, दोनों को मैं एज ए कलाकार लेता हूँ। मुझे लग रहा है कपिल के अंदर एटीट्यूड आ गया है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ उसी की वजह से शो चल रहा है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ उसके जो आर्टिस्ट लोग हैं उनके पीछे भी उनका काम चल रहा है, और आर्टिस्ट लोग भी बहुत टैलेंटेड है। ऐसा नहीं कि कपिल के हिसाब से, कपिल ने अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है वो कभी भी किसी को भी लात मार सकता है। कपिल को ऐसा करना चाहिए? कैसा करना चाहिए? मतलब नहीं, वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कपिल को इतना एटीट्यूड भी नहीं दिखाना चाहिए कि मतलब जस्ट बिकॉज उसको स्टारडम मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन से हम जमीन पे हमेशा पैर रखे रहना चाहिए, कभी भी आसमान में नहीं उड़ना चाहिए। एक्टिंग के बारे में क्या बात करें, क्या कहना चाहिए कपिल के? एक्टिंग के बारे में ऑफ कोर्स नो डाउट, एक्टिंग के वैसे कपिल के अंदर कुछ एक्टिंग नहीं आता है, गुलाटी गुलाटी ही रहेगा। उसने 14 साल स्ट्रगल किया है, 14 साल तो इसने भी स्ट्रगल नहीं किया। बात अलग है कि उसका थोड़ा साथ नहीं दिया गया है, लेकिन कपिल का थोड़ा नसीब ने साथ दिया तो वो आगे बढ़ गया है। उसका भी साथ देता तो शायद आज वो भी कहीं और जगह पे भी रहता था। कहीं इंडियन पॉलिटिक्स बॉलीवुड के अंदर तो एंट्री नहीं कर रही है? नहीं, अप्रैल फूल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है बट मैं श्योर नहीं इस बात के बारे में, लेकिन अप्रैल फूल तो लगता नहीं जो हिसाब से, क्योंकि इसके पहले भी एक बार हो चुका है कपिल और क्या नाम है उनका नाम नहीं है मालूम है। इंडियन पॉलिटिक्स कहीं बॉलीवुड में तो एंट्री नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स का इसमें कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े स्टार लोग कभी इतना बड़ा पॉलिटिक्स नहीं करते। कपिल को तो जरूरत नहीं पॉलिटिक्स करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसका शो तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हिट है। नहीं आना चाहिए, कुछ सुनील इतना टैलेंटेड आदमी कि उसको कहीं ना कहीं जरूर काम मिल जाएगा, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट से बढ़कर काम और पैसा नहीं होता, रिस्पेक्ट होता है। कपिल ने गुस्सा नहीं करना चाहिए था, एक साथ रह के काम करना चाहिए उनको। आप किसके फैन है, कपिल के कि सुनील के? मैं तो दोनों को भी है, उसको भी ज़्यादा ये करती है। बैठ गया सुनील को कपिल के शो में आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए, अभी आना चाहिए। हाँ, कुछ होने के बाद भी आना चाहिए, आना चाहिए दोनों के साथ है उसके। कपिल को भी जरा समझदारी से काम लेना चाहिए। उसने माफ़ी मांगी तो भी उनको आना चाहिए, नहीं मांगे तो भी आना चाहिए उनको। एक साथ वो लोग अच्छा लगते हैं काम करते समय। नहीं, हाँ मुंबई की जनता कितना प्यार करती है कपिल से? ज़्यादा नहीं करते हैं, मगर कपिल को ज़्यादा करते हैं। कपिल से शो चलता है, उससे भी चलता है, दोनों से भी शो चलता है ऐसा। एज एन एक्टर तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग सुनील अच्छा है। लेकिन कपिल ने जो किया क्या वो सही है? बहुत ख़राब किया, क्योंकि कपिल हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये कैसा? ये बहुत ख़राब किया, कपिल का डाउनफॉल शुरू हो गया है उसकी हरकतों से। वो क्या, अब अपने आप को ज़्यादा कुछ समझने लगा है। तो क्या सुनील ग्रोवर को दोबारा शो में आना चाहिए ऐसा? बिल्कुल नहीं, सुनील ग्रोवर को मेरे ख्याल से दोबारा कपिल की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए शो में, तो आने की बात छोड़ो। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स कहीं बॉलीवुड में तो एंट्री नहीं कर गया है? नहीं, पॉलिटिक्स इसमें क्या होगी, पॉलिटिक्स अगर है भी तो बॉलीवुड की ही पॉलिटिक्स है, उसमें
बाहर से कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये इनके अपने ही पॉलिटिक्स है। मैं इट्स एक्चुअली डिस्गस्टिंग बिकॉज दोस दे ऑल आर सपोर्टिंग एक्टर्स एंड इट्स बिकॉज ऑफ देम एक्चुअली द शो इज गोइंग ऑन। तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए सबको। थैंक यू। कपिल शर्मा का शो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सक्सेस मिलने के बाद में एक सक्सेस पचती नहीं है। अब कपिल भाई का जो पेट है वो भर चुका है, और ये इंडस्ट्री है ना, अगर आप किसी से बदतमीजी से पेश आते हो या तुम टाइम के अगर पाबंद नहीं हो, तो जैसे चाय में से मक्खी को उठा के फेंक देते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इंडस्ट्री हर अच्छे से अच्छे बड़े आर्टिस्ट को उठा के फेंक देती है। तो अपने काम को इज्जत करना सीखो, और उसको जब तुम्हें बहुत कुछ काम दिया है तो उसकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। सुनील को दोबारा कपिल के शो में आना चाहिए। सुनील को अभी अगर अच्छा प्लेटफॉर्म है, दोनों के बीच में अगर सुलह हो जाती है, तो बिल्कुल वापस आना चाहिए। मतलब कहीं इंडियन पॉलिटिक्स बॉलीवुड में तो एंट्री नहीं कर गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी बिहेवियर का बात है। अब उनका एक अलग बिहेवियर है, क्या बोल सकते हैं।